जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है, हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम COVID-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में सभी पत्रकारों को सभी मीडिया चैनलों में आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परंतु श्रद्धालुओं का उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।